स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे मेरे, तो वो टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा मोमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट, मोमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हम यहाँ पे जो कॉल्पिसन कोफिशिएंट के जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक स्क्यूनेस और कूटोसिस, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द मोमेंट्स अबाउट मीन एंड आल्सो इज द कर्व इज लाइक लैप्टोपोटिक, मेसोकोटिक या प्लेटिकोटिक, या फिर आपको पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे वो सब टॉपिक्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टेट्स के जो कुछ टॉपिक्स बाकी थे वो मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ। और स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और रिमेनिंग और भी जो वीडियोस हैं जो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, और अगर आप आईआईटी जेएम, सीएसआर ने, गेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सभी पुराने वीडियोस यहाँ पे आईटी पे भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मोमेंट्स का मतलब क्या होता है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन एंड मोमेंट्स अबाउट एनी अदर पॉइंट का मतलब क्या होता है ना। सो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मोमेंट्स होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, है ना, क्लियर है, इसको बोलते हैं म्यू जीरो, है ना, ये मैं आपको बोलूँ म्यू आर डैश, है ना। यहाँ पे नॉर्मली हम बात करेंगे इसको बोलेंगे म्यू आर, और इसको बोलते हैं हम म्यू आर डबल डैश, ठीक है ना। ये थोड़े से नोटेशन वाइज होता है ना। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, चूंकि ये ओरिजिन है तो इसका मतलब होता है एक्स माइनस जीरो पावर आर। इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस एक्स बार पावर आर, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ई एक्स माइनस ए पावर आर, है ना, अबाउट मीन, अबाउट एनी अदर पॉइंट एंड अबाउट ओरिजिन, क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, अबाउट ओरिजिन। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पावर क्या हो जाएगी, जीरो, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वन होती है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, दिस इज जीरो मोमेंट, है ना, अबाउट नाउ फर्स्ट मोमेंट, क्लियर है। फर्स्ट मोमेंट तो क्या होगा स्टूडेंट, इसको लिखते हैं हम ई एक्स, है ना, क्योंकि पावर वन हो जाएगी, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे मीन। स्टूडेंट, जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वो हमारा क्या होता है, मीन होता है, ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत है, क्लियर। नाउ सेकेंड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, टू लग जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड मोमेंट क्या होता है, ई एक्स क्यूब हो जाता है, है ना। और फोर्थ मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, ई एक्स पावर फोर हो जाता है ना। तो ये हमारे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होते हैं, क्लियर है। इसी टाइप से हम बात करते हैं मोमेंट्स अबाउट एनी अदर पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको म्यू वन डबल डैश, है ना, जीरो पे तो वन ही हो जाएगा, मतलब नहीं है उसको, एक्स माइनस ए, है ना, देन म्यू टू डैश डबल डैश तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, म्यू थ्री डबल डैश ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए का क्यूब, एंड म्यू फोर डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, ई एक्स माइनस ए की पावर फोर। अब एक प्रॉब्लम है, और मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताई, प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये समझने की जरूरत है। जैसे अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके दो तरीके होते हैं, है ना। अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अब स्टूडेंट आप बोलोगे सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पे आईटेप पे जाके पुराने वीडियोस देखना, उससे समझ में आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तब हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी एक्स होता है, और अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स होता है। यहाँ पे ये पी एक्स पी एम एफ होता है, और यहाँ पे ये पी डी एफ होता है। इसी टाइप से आप इसके लिए भी वही यूज़ कर सकते हैं ना भाई, सेम इसके लिए भी वही प्रोसेस है, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा ये, तो ये एक्स पावर फोर आ जाएगा, सेम उसमें भी यही कंसेप्ट है ना। तो दोनों में यही चीज़ है, तो मैं आपको एक के लिए बता रहा हूँ, आप दूसरे के लिए भी इस तरीके से समझ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी बात करते हैं, तो चलो मैं बता देता हूँ ना, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स पावर फोर पी एक्स, ना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, एक्स पावर फोर एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, क्लियर है। और यहाँ पे समेशन है लाइक जो भी दे रखा आपको जीरो टू एन है ना लाइक, तो उससे आपसे समेशन लगा देंगे हम, क्लियर। इसी टाइप से ये भी हो सही है ना, एक्स क्यूब हो जाएगा इस वाले केस, क्लियर। अब बात करते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन की, है ना। तो मोमेंट्स अबाउट मीन क्या होता है, सबसे पहले तो जीरोथ मोमेंट यहाँ पे लेंगे,
तो स्टूडेंट जीरोथ मोमेंट तो आप जानते हो यार क्या होता है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। नाउ म्यू वन डैश, आओ सॉरी म्यू वन, है ना। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स बार, है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मीन होता है, आपको बताया था मीन, है ना, इसकी वैल्यू एक्स बार भी होती है स्टूडेंट, क्या होती है, इसको हम एक्स बार भी बोलते हैं, याद है ना, मीन, है ना, इसको एक्स बार भी बोलते हैं, क्लियर। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये ई अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ई एक्स बार, ठीक है स्टूडेंट। ई एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, हम जानते हैं ये एक्स बार होता है, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स बार, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, इसका जो मीन का मीन मीन ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो म्यू वन होता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड मोमेंट म्यू टू, क्या होता है जी, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ई ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने आपको भी बताया था कि जब भी ई अंदर जाता है तो क्या होता है, एक्स बार पे नहीं जाता, क्योंकि एक्स बार का मोमेंट मतलब नहीं है, वो खुद ही हो जाएगा, तो ये किस पे लगेगा, खाली एक्स पे लगेगा, और मैंने आपको बताया था इसका कोई लेन देना नहीं है, है ना, क्योंकि वो ई एक्स बार ही होता है ना, तो लाइक कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बार, एक्स बार को हम क्या लिखते हैं, ई एक्स लिखते हैं, है ना, तो ये ई एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स बार को मैं ई एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ भी क्या लिख देता हूँ मैं ई एक्स, और स्टूडेंट ये भी ई एक्स आ जाएगा, तो ये ई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स लिख सकते हैं ना। नाउ अब ध्यान दीजिए क्या आएगा इसकी वैल्यू, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये टू है और ये है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा, तो ये आएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या होता है, वेरियंस होता है, इसको बोलते हैं म्यू टू, और इसको क्या बोलते हैं, इसके दो तीन नाम होते हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, दो तीन नाम, तो क्या नाम तो एक ही होता है ना, वेरियंस ऑफ एक्स बोलते हैं, या फिर हम इसको सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना, ये ऐसे लिखते हैं, है ना, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, म्यू टू, क्लियर, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे म्यू थ्री की, है ना, तो मैं उधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, चलो मैं लिख देता हूँ म्यू थ्री क्या होगा, म्यू थ्री की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब आएगा, है ना, और इसको होल क्यूब को खोलेंगे हम, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगा ई एक्स क्यूब, है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, उधर लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ना, इसको अपन हटाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो म्यू टू है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू टू इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट ई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं म्यू टू डबल डैश, सॉरी दिस इज डैश, है ना, दिस इज डैश, ये डैश डैश है ना, सॉरी प्लीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा, दिस इज डैश, राइट। तो ये जो आएगा, ये आएगा हमारे पास म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये याद रखने की ज़रूरत है, फार्मूला होता है, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब वो यूज़ में आएगा ना, भैया ई एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं म्यू टू डैश, और ई एक्स को बोलते हैं म्यू वन डैश, तो म्यू वन डैश का स्क्वायर, है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे म्यू थ्री की, तो म्यू थ्री का फार्मूला होता है ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, इसको खोलेंगे हम, तो यह आएगा, ये देखो बाइनोमियल से खोल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्या आएगा यहाँ पे माइनस का थ्री सी वन एक्स स्क्वायर एक्स बार प्लस थ्री सी टू एक्स एक्स बार का स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री एक्स बार का क्यूब, है ना। नाउ ये ई अंदर चला जाएगा, तो ये आएगा आपके पास ई एक्स क्यूब, और थ्री सी वन थ्री होता है, ये आएगा आपके पास ई एक्स स्क्वायर, और एक्स बार को मैं लिख देता हूँ ई एक्स प्लस थ्री सी टू थ्री होता है ना, एक्स बार को लिख देते हैं हम ई एक्स, और एक्स बार का स्क्वायर ये भी ई एक्स ही हो जाएगा स्टूडेंट, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, और यहाँ पे थ्री सी थ्री थ्री होता है, मतलब वन ही होता है, तो ये हो जाएगा ई एक्स का होल क्यूब, क्लियर। और स्टूडेंट यहाँ पे आता है माइनस प्लस, दिस इज द लाइक यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना, माइनस प्लस एंड माइनस, यस दिस इज माइनस, क्लियर। नाउ क्या करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास ई एक्स क्यूब माइनस थ्री ई एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये भी ई एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये भी ई एक्स क्यूब हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा टू ई एक्स क्यूब, और हम इसको फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आएगा आपके पास म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का क्यूब। तो स्टूडेंट ये फार्मूला होता है हमारे पास म्यू थ्री का, बहुत यूज में आने वाला है आगे हमारे को,
याद रखना है, ठीक है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब यूज आएगा, है ना? तो ये इस तरीके से आप कभी एग्जाम में भूल जाओ तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी टाइप से हम बात करेंगे म्यू फोर की। तो म्यू फोर होता है हमारे पास ई एक्स माइनस एक्स बार फोर। स्टूडेंट बाइनोमियल लगाएंगे हम, तो बाइनोमियल लगाएंगे दिया क्या आएगा, ध्यान दीजिए मैं इसको लिख देता हूँ, एक्स पावर फोर माइनस फोर सी वन, है ना, ये एक्स क्यूब एक्स बार आएगा प्लस फोर सी टू, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर माइनस फोर सी थ्री, है ना, ये आएगा एक्स एक्स बार का क्यूब, है ना, प्लस फोर सी फोर, ये आएगा एक्स बार पावर फोर। क्लियर? बंद कर दीजिए इसको। अब ई अंदर जाएगा तो ये आएगा आपके पास ई एक्स पावर फोर, है ना, और फोर सी वन फोर ही होता है ना, ये आएगा माइनस से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक है। और ये आएगा ई ई एक्स क्यूब, और स्टूडेंट एक्स बार की वैल्यू ई एक्स के बराबर होती है ना, प्लस फोर सी टू हमारे पास क्या होता है, सिक्स होता है ना। फोर सी टू की वैल्यू कैसे निकालता है, फोर सी टू होता है फोर इंटू थ्री अपॉन वन इंटू टू, तो ये आएगा टू, सिक्स हो जाएगा, है ना, सिक्स। ये होगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर, और ये एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से फोर सी थ्री की वैल्यू फोर आएगी, है ना, ये आएगा आपके पास ई एक्स, ये आएगा आपके पास ई एक्स का होल क्यूब, ना फोर सी फोर वन होता है, और ये आएगा आपके पास ई एक्स की पावर फोर। स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, तो ई एक्स पावर फोर माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये चलो एक काम करते हैं अपन, लिख ही लेते हैं फिर बाद में अगली स्टेप में कर लेंगे ना, फोर ये आएगा ई एक्स पावर फोर इंटू ई एक्स प्लस ये आएगा सिक्स ई एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का होल स्क्वायर, ना ये ई एक्स पावर फोर हो रहा है और ये भी एक्स पावर फोर, तो एक माइनस हो जाएगा तो ये आएगा थ्री ई एक्स पावर फोर हो जाएगा। स्टूडेंट हम इसका फार्मूला लिखेंगे, तो म्यू फोर इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास म्यू फोर डैश माइनस फोर, ये आएगा एक्चुअली दिस इज एक्स क्यू, तो ये आएगा आपके पास म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, है ना, देन ये आएगा आपके पास थ्री म्यू वन डैश पावर फोर। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला था जो हमें याद होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर की वैल्यू निकालते हैं, और स्टूडेंट ये फार्मूले बड़े यूज में आने वाले हैं तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको इन टॉपिक्स के ऊपर, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्क्यूनेस और कुटोसिस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पे एक टॉपिक और है, जो मोमेंट्स हमने निकाले थे, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट एनी अदर पॉइंट, उनका यूज हम यहाँ पे करते हैं और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट स्क्यूनेस एंड कुटोसिस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है मीन लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब यहाँ पे स्क्यूनेस का मतलब होता है हम जो भी कर्व दे रखा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा है। अगर उसका कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस वाले केस में वो सिमेट्रिकल होता है, उसमें मीन मोड मीडियन तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पे स्क्यूनेस को नापने का एक पैरामीटर होता है, जिस पैरामीटर इज कॉल्ड बीटा वन, है ना। बीटा वन का मतलब होता है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, है ना, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, इसका जो पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं बीटा वन, है ना। और ये जो बीटा वन है इसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि ये यहाँ पे क्या है, स्क्यूड है या नहीं है। अगर बाई चांस हमने बीटा वन को, जैसे आपने मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, अभी मैंने फार्मूले बताए थे उससे, अभी हम मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, हमने वैल्यू निकाल के रखी और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, क्या आ गई, जीरो आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है, और ये सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना। अब अगर बाई चांस इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, बीटा वन की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन, ये कॉल्पिटन कोफिशिएंट्स होते हैं, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब होता है इसके जो मीन और मीडियन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव साइड के अंदर होंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, और इसका जो ग्राफ भी देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम ग्राफ का पोर्शन होगा वो किस साइड में होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम पॉजिटिवली स्क्यूड। इसी टाइप से अगर हम बात करें बीटा वन की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड, है ना। तो मोड तो यही रहेगा, पर मीडियन और जो मीन होगा वो कहाँ होगा, नेगेटिव साइड में होगा, इसका मैक्सिमम जो पोर्शन होगा वो कहाँ होगा, नेगेटिव साइड में होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्यूनेस का जो मेन मतलब ये होता है, इसको हम जो कंपेयर करते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कंपेयर करते हैं। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के
ऐसा जो बेल शिफ्ट कर्व आ रहा है अगर वो है तो बीटा वन जीरो होगा, अगर वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा शिफ्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली नेगेटिव साइड में ज्यादा आ रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। और इसको मीन मोड मीडियन से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब बात आता है कूटोसिस। स्टूडेंट देखो, जो अपना स्क्यूनेस था वो सिमेट्री दिखा रहा था, अब कूटोसिस जो दिखा था वो फ्लैटनेस ऑफ द कर्व दिखा था कि कर्व कितना पिक्ड है, कितना फ्लैट है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। देखो अभी अभी बात हुई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, उधर कितना है और इधर कितना है, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना ऊपर है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना नीचे है, दैट इज कॉल्ड कूटोसिस। The extent to which a distribution is picked or flat is called kurtosis. इसका जो पैरामीटर होता है वो बीटा 2 होता है। नॉर्मली जो बीटा 2 की वैल्यू होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना, वो कितनी होती है, 3 होती है। क्या होता है, बीटा 2 किसके बराबर होता है, 3 होता है ना। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आ रही है इसका मतलब वो क्या है, वो जो है वो हमारा कूटोसिस है। और उसका जो लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेल जो कर्व है वो बेल शेप है और उसको बोलते हैं हम मेसोकूटिक। क्या बोलते हैं, मेसोकूटिक है ना, इसको बोलते हैं मेसोकूटिक। अगर बाय चांस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर आ गया ना, लाइक पिक्ड हो गया थोड़ा, इससे ऊपर आ गया ना, तो इसका मतलब यहां पे बीटा 2 की जो वैल्यू होती है वो 3 से बड़ी हो जाएगी और इसको बोलते हैं लेप्टोकूटिक। क्या बोलते हैं इसको, हम लेप्टोकूटिक बोलते हैं, है ना। अगर बाय चांस ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे आ गया इसका मतलब ये हुआ कि बीटा 2 की जो वैल्यू वो 3 से छोटी हो गई, इसको बोलते हैं प्लेटीकूटिक। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कूटोसिस होता है इसके अंदर हम ये दिखते हैं कि जो फ्लैटनेस ऑफ द कर्व कि वो बीटा 2 जो है लाइक उसकी वैल्यू बराबर 3 है तो वो मेसोकूटिक है, 3 से ज्यादा है तो लेप्टोकूटिक है और 3 से कम है तो प्लेटीकूटिक है। तो ये सब चीजें नॉर्मली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लाइक डेटा गिवन है आपको और आपसे डेटा गिवन है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इज दिस डेटा इज लाइक प्लेटीकूटिक मेसोकूटिक और लेप्टोकूटिक या फिर ये स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मूवमेंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर मूवमेंट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पता लगाएंगे कि मेसोकूटिक या फिर लेप्टोकूटिक है। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपके सामने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया, अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पता लगाएंगे कि ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है। तो इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, कमेंट जरूर करें और लास्ट में यहाँ पे देखिए आप वीडियोस दिख रहे होंगे आपको है ना प्लेलिस्ट में, और आप यहाँ जाके मुझे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर, क्लियर। थैंक यू, बाय बाय।